हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्लैम विद ज्योति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। यहाँ हमने 5 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें हमने बड़े बड़े टुकड़ों में मैश कर लिया है। भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी सभी को बहुत पसंद आती है। ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के बनती है। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें हमने काट लिया है। 2 इंच अदरक लिया है, 1 हरी मिर्च लिया है और 1 चम्मच जीरा है। हम इन सब का फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी टमाटर प्योरी बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे हम सब्ज़ी को कढ़ाई में बनाएंगे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है। और यहाँ पर कुछ साबुत मसाले हैं, 2 लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2-3 इलायची हैं, 4-5 लौंग हैं और 4-5 काली मिर्च हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेज़ पत्ता डाल दिया है, उसके बाद हमने साबुत मसाले डाल दिया है और यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। इन सबको कुछ सेकेंड तक भून लिया है। और अब हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे हमारी सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आएगा। मसालों को हमने कुछ सेकंड भून लिया है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे टमाटर की प्योरी बनाई थी, वो हमने इसी में डाल दिया है। टमाटर की प्योरी को हमने 2 मिनट भून लिया है। देखिए, टमाटर की प्योरी अच्छे से भून गई है। और अब हमने यहाँ पे मैश किए हुए आलू मैंने ग्रेवी में मिला दिया है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आलू को मसाले में 2 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब हमने यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाल दिया है। तो हमने पानी डाल के सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाला है। नमक को सब्ज़ी में अच्छे से मिला दिया है। और अब हमने यहाँ पे 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे गरम मसाला मिलाया है। मसाले को सब्ज़ी में मिक्स कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे 2 साबुत हरी मिर्च डाली हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी में बहुत अच्छा बॉयल आ गया है। और अब हम इसे मीडियम आंच पे 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और अब हम यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी है, जिसे हम क्रश करके सब्ज़ी में डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने से सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप हरी धनिया भी सब्ज़ी में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी भंडारे वाली आलू सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ पूड़ियाँ लगाने के लिए अपना आटा गूंथ के तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप गेहूँ का आटा लिया है और 1/4 कप हमने रवा लिया है। और 1 पिंच हमने यहाँ पे हींग डाली है। 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे अजवाइन डाली है और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पे नमक डाला है। इन सब को आटे में डाल के आटे को अच्छे से मिला लिया है। और अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला है। तेल को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल डालने से पूड़ियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। तो यहाँ पे आटा गूंथने के लिए हमने गुनगुना पानी लिया है, इससे हमारा आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंथ के तैयार हुआ है। तो देखिए, हमारा आटा गूंथ गया है। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाल लिया है। इसमें आटे को अच्छे से मिला लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पे आटे को 10 मिनट हो गए हैं। और अब हम यहाँ पे हमने एक बार फिर से आटे को अच्छे से मसल लिया है। और अब हमने यहाँ पे छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाने के लिए लोइयाँ तोड़ ली है। और अब हम इन्हें बेल लेंगे। पूड़ियों को हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे। खस्ता पूड़ियाँ जो होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं। तो हम इसी तरह से अपनी सारी पूड़ियाँ बेल के तैयार कर लेंगे। तो अब आ गई है पूड़ियाँ तलने की बारी। तो कढ़ाई में तेल गरम हो गया है और अब हमने इसमें अपनी पूड़ी डाल दी है।
पूड़ी को उलट पलट के दोनों साइड सेक लेंगे। तो यहाँ पे पूड़ी बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। इसी तरह से हम अपनी सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो आप भी देख रहे हैं हमारी खस्ता पूड़ी बन के तैयार हो गई है। आप मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे बाकी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए हमारी भंडारे वाली सब्जी और खस्ता पूड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने अनुभव ग्लैमबिज ज्योति से शेयर करिए। तो चलिए आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।